आज हम पढ़ने वाले डियर्सन वाल वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो जैसा कि हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रो डायनामोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक उसी की तरह यह भी काम करता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि दो परमानेंट मैग्नेट आप देख रहे हैं, उनके बीच में एक मूविंग इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करते हैं हम, जो हमको जो टॉर्क चाहिए ना, जो आपका पॉइंटर होता है, पॉइंटर को रोटेट करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए हमको क्या चाहिए, आपका एक डिफ्लेक्शन चाहिए। और वो डिफ्लेक्शन हमको किस प्रिंसिपल से मिल रहा है अपने को, किस मैकेनिज्म यूज करके मिल रहा है अपने को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन। ठीक है, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन के लिए क्या चीज़ें चाहिए हमको, एक मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर कॉइल चाहिए। जब इस मैग्नेटिक फील्ड में इस कॉइल को को क्या एस्टेब्लिश करते हैं अपन, तो हमको क्या मिलता है, एक टॉर्क मिलता है, एक फोर्स मिलता है, जो आपका कॉइल है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, जस्ट लाइक योर मोटर। ठीक है, तो इसे कहते हैं अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के वजह से जो डिफ्लेक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, हम एक कॉइल यूज करते हैं जो कि करंट कैरी करेगा और एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा। जब इसके अंदर ये जो आपका कॉइल है, ये जो है आपके एक सस्पेंशन के थ्रू, अपर और लोअर साइड में एक सस्पेंशन है। ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो, नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों के बीच में आपका एक आयरन कोर के ऊपर, आयरन कोर जो है स्टेशनरी है, उसके ऊपर आपका जो है क्या कहना चाहिए, कॉइल जो है ना वो है। ठीक है, तो वो कॉइल जो है वो रोटेट करता है और अंदर में कोर है। ठीक है, कोर के ऊपर ऊपर में क्या है आपका कॉइल है, जो कि क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक, तो अब क्या होता है, जब हमारा करंट फ्लो रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल होता है कि करंट के। ठीक है, तो उसके थ्रू उसका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब क्या होता है कि ये जो मीटर्स हैं हमारा, तो इसमें जो मूविंग कॉइल है उसके थ्रू क्या होता है, आपका पॉइंटर पाइवोटेड होता है। ठीक, यहाँ पे हम कंट्रोल मैकेनिज्म के लिए स्प्रिंग मैकेनिज्म यूज करेंगे, और जैसा कि हमारा इससे पहले हमने पढ़ चुका है, देख चुके हैं अपन, ठीक उसी वे में क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल की बेसिस पे क्या होगा, आपका जो कॉइल है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, जस्ट लाइक योर डीसी मोटर ही इसमें काम होता है। अब इसका नाम डी आर्सन वाल गैल्वेनोमीटर इसलिए पड़ा बिकॉज ये इसका जो इन्वेंशन है वो एक फ्रेंच साइंटिस्ट डी आर्सन वाल ने किया था। ठीक है, इसलिए इसका नाम डी आर्सन वाल गैल्वेनोमीटर पड़ा, क्योंकि हमारे पुराने जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हमने अभी तक देखे हैं वो सभी क्या है, करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। मतलब बाहर में आप भले ही पावर मेजर करो, पावर फैक्टर मेजरमेंट करो या कुछ और मेजरमेंट करो, लेकिन अंदर में हम क्या करते हैं, अंदर में हमारा एक छोटा सा मीटर ही होता है जो करंट मेजर करता है, उसके प्रोपोर्शनल ही हम क्या करते हैं बाहर में फ्रिक्वेंसी या फिर आपका पावर फैक्टर या आपका पावर को अपन डिनोट करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो इसका जो यूज है, इसके यूज से हम अमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर सारे इंस्ट्रूमेंट्स अपन बना सकते हैं सेम प्रिंसिपल पे बेस्ड। तो चूंकि ये हम फोर्थ यूनिट के बाद पढ़ रहे हैं, तो ये इससे रिलेटेड सारे इंस्ट्रूमेंट्स को हमने ऑलरेडी डिटेल में देख लिया है कि कितने टाइप के टॉर्क्स काम करते हैं, कितने टाइप के कंट्रोलिंग टॉर्क हैं, और कितना कौन सा अपन डैम्पिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं। ठीक है, तो इस पे हमको और ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दिस टॉपिक्स इन चैप्टर नंबर 4। ओके, तो ये जो डैम्पिंग है, मूविंग कॉइल है, इंडिकेशन है, जीरो सेटिंग है, ये सारी चीजें जो है आपको ऑलरेडी बता दी गई हैं। तो देयर इज इट इज नॉट आई डोंट थिंक इट इज टाइम टू रिपीट ऑल दोज थिंग्स। ठीक है।